रिलायंस रिफाइनरी जामनगर गुजरात से ऑक्सीजन का पहला टैंकर शनिवार देर रात भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की पहल से इंदौर पहुंचा, जहां सांसद, मंत्री और कलेक्टर ने चालक का स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के प्रयासों से प्राणवायु से भरा टैंकर यानी कि 30 टन ऑक्सीजन की पहली खेप जामनगर गुजरात से शनिवार देर रात इंदौर पहुंची, जहां कलेक्टर मनीष सिंह, मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक आकाश विजयवर्गीय ने टैंकर चालक का चंदनगर में स्वागत किया। बताया जा रहा है कि टैंकर के माध्यम से BRJ के कुमेड़ी प्लांट में सिलेंडरों में भरकर ऑक्सीजन अस्पतालों में भेजी जाएगी। यही नहीं, अब नियमित रूप से ऑक्सीजन के टैंकर इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर पहुंचने पर रिलायंस के अधिकारियों और चालक दल के सदस्यों का स्वागत कर सिलेंडर रिफिलिंग का विधि विधान से पूजन कार्य कर श्री गणेश किया गया। शहर में ऑक्सीजन की किल्लत टैंकरों के आने से जल्दी ही खत्म होगी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। 21 घंटे कहाँ से लेके निकले, कब निकले थे? रात को 1 बजे कहाँ से लेके आए इसको? गुजरात से। गुजरात से कितने सिलेंडर और आ रहे हैं अभी? हाँ सर, गुजरात से कितने और आ रहे हैं? कितनी ऑक्सीजन है और कई गाड़ियाँ हैं हमारे पास। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। इंदौर पहुँची, क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, ये ऑक्सीजन टैंकर हमारे इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए संजीवनी बन के आया है। आज रिलायंस का ये 60 टन का ऑक्सीजन टैंकर यहाँ आया है, और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। कैसे देखते हैं कि अब इससे आपूर्ति होगी, जो जिस तरह की भगदड़ मच रही थी, काफी पैनिक जैसी स्थिति थी, लोग परेशान हो रहे थे ऑक्सीजन से, कितनी मदद कर सकते हैं? बहुत, मैं जैसा कह रहा हूँ कि इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए ये ऑक्सीजन टैंकर संजीवनी बन के आया है। रिलायंस ने और हमारे महासचिव जी ने, आदरणीय कैलाश जी ने, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने, हमारे गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने और हमारे सभी वरिष्ठों ने जो प्रयास करके इंदौर और मध्य प्रदेश को ये 60 टन ऑक्सीजन का जो रिलायंस से ये सिलेंडर्स आना चालू हुए हैं, लिक्विड ऑक्सीजन आना चालू हुई है, निश्चित तौर पे इंदौर में वो ये जो कोरोना का अभी कुछ समय से आप देख रहे थे, 1-2-4 दिन में ऑक्सीजन को लेके जो थोड़ा सा तनाव था वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। कैलाश जी को कितना धन्यवाद देंगे? इंदौर की जनता हृदय से धन्यवाद करती है सभी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।